हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? एक और नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, मैं लोग बताने वाला हूँ GB व्हाट्सएप की जो हेडर सेटिंग होती है उसकी। दोस्तों, उसके अंदर जो खास खास सेटिंग है दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी इंप्रूवमेंट, काफ़ी खतरनाक सेटिंग है उसके अंदर। तो अगर आपको भी जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड स्किप करते भाई तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना एंड पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना एंड दबा के किसी के भाई चैनल को शेयर कर देना। और नीचे टाइप करके बोला कि भाई के चैनल को सपोर्ट एंड लाइक करो दोस्तों एंड सब्सक्राइब करो। दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है हेडर वाले सेटिंग को जानने के लिए, आखिर सेटिंग है कहाँ से, पहले इसको जानते हैं। दोस्तों, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा 3 डॉट एंड सबसे राइट कोने में कैमरा आइकन के बगल 3 डॉट मिल जाएगा। सबसे ऊपर राइट कोने में यहाँ पे क्लिक करना है एंड जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा 1 GB सेटिंग का ऑप्शन एंड यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर आ चुके दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा सेटिंग बताने वाला हूँ जो आप कभी नहीं सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे करना क्या दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाएगा होम स्क्रीन का ऑप्शन, सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करना है। ऐसे होम स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, उसके बाद दोस्तों सबसे ऊपर आपको मिल जाता है हेडर वाले सेटिंग। तो इसके अंदर आपको जाना है, जैसे कि आप पे क्लिक करें हेडर के ऑप्शन पे। अब दोस्तों, अब आप आ चुके हो हेडर वाले सेटिंग के अंदर। दोस्तों, अब मैं आपको इसी सेटिंग के बारे में बताऊंगा, कुछ खास सेटिंग दोस्तों जो आप नहीं जानते। बिल्कुल, आप GB व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो बट नहीं जानते इसकी सेटिंग के बारे में। दोस्तों, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा होम UL स्टाइल। दोस्तों, यहाँ पर सिंपल आप लोग देखते हो, यहाँ पर क्लिक करना फर्स्ट सेटिंग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो। एंड इसमें सबसे पहले फर्स्ट सेटिंग में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर इसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर चैट एंड ग्रुप कॉल कम्युनिटी दोस्तों, यहाँ पर स्टेटस दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को देख सकते हो कुछ इस प्रकार हो चुका है। मैं फिर से दोबारा क्लिक करने जा रहा हूँ एंड मैं इसको इस प्रकार क्लिक करता हूँ, ये फिर से कुछ अलग हो चुका है। दोस्तों, काफ़ी मस्त लग रहा है, काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है, इस प्रकार आप चेंज कर सकते हो। दोस्तों, आप चलते हैं हम सेटिंग नंबर 2 दोस्तों, स्टोरेज स्टाइल। दोस्तों, आप लोग खुद दे सकते हो एंड यहाँ पर सिंपल सा आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप चाहते हो फेसबुक से स्टोरी से, आप फेसबुक पर स्टोरी लगाते हो उस प्रकार से हो, अगर हो चाहते हो उस प्रकार से हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पर RC फेसबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हो जैसे मोबाइल से व्हाट्सअप पर स्टोरी से होती है दोस्तों, अगर उस प्रकार से आते हो तो सबसे ऊपर वाले यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टॉक एंड यहाँ पर सिंपल सा क्लिक कर देना इस प्रकार। दोस्तों, इस प्रकार शो हो जाएगी। मैं अब आपको सिंपल सा बैक चलता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ किस प्रकार शो हो रही है। दोस्तों, ब्लैक स्क्रीन एंड दोस्तों यहाँ पर आप लोग कुछ इस प्रकार शो हो रही है जैसे पहले शो होती थी। उसे आपने जैसे ही हमारे चैनल पर आए हो एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग उसमें अपना GB व्हाट्सएप ओपन किया तो आप लोगों पर देख सकते हो कुछ अलग था यहाँ पे। दोस्तों, अब यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे जाना है हेडर वाले सेटिंग पे, सिंपल सा GB व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है सिंपल सा होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पर जाने के बाद आपको हेडर वाले सेटिंग पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको चलना है इनेबल इंस्टाग्राम लिंक स्टोरी। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखते हो जैसे होम स्क्रीन पर इंस्टाग्राम की स्टोरी शो होती है, उसी प्रकार आप भी अपने व्हाट्सएप में चाहते हो शो हो, तो इसके लिए आपको इनेबल इंस्टाग्राम लिंक वाले ऑप्शन पर सिंपल सा क्लिक करना है। दोस्तों, काफ़ी कमाल का फीचर दोस्तों होने वाला है, आप लोग खुद देख सकते हो। अब दोस्तों, आपको मैं बताना हूँ यहाँ पर दोस्तों चैट ग्रुप का जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसको ऑफ रखते हो तो कुछ इस प्रकार दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ग्रुप वाला ऑप्शन गायब हो चुका है दोस्तों, क्योंकि चैट अब ग्रुप सारी एक में हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो अलग अलग हो जाए ग्रुप एंड चैट अलग अलग हो जाए, उसके लिए आपको सिंपल इसको ऑन कर देना। तो यहाँ पर फिर से देख सकते हो ग्रुप आ चुका है दोस्तों कुछ इस प्रकार, काफ़ी मजा आ गया एंड काफ़ी अच्छा ट्रिक दोस्तों काफ़ी खुद देख सकते हो। अब दोस्तों, मैं चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग के दोस्तों। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर आपको दिख रहा है शो कैमरा आइकन। दोस्तों, यहाँ पर सिंपल अगर ऑन है दोस्तों, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको कैमरा भी दिख रहा है, यहाँ पे लोग खुद दे सकते हो भाई आप लोग। एंड यहाँ पर सिंपल उसको ऑफ कर देना। अब फिर से आप करते हो तो यहाँ दोस्तों आपको जो कैमरा आइकन है वो पूरी तरह से हाइड हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप गायब हो चुका है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ पर फिर से आ चुका है दोस्तों। अब सो लाइट नाइट मोड दोस्तों, जो आप रात में कभी भी लगा के मोबाइल चलाते हो, सो नाइट मोड यहाँ पर चंद्रमा लोगों से बना हुआ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अगर इसको भी गायब करना चाहते हो तो इसको ऑफ कर देना है, ये पूरी तरह से गायब हो चुका है, आप लोग खुद देख सकते हो। काफ़ी कमाल का फीचर दोस्तों, गायब कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर सो एरोप्लेन D&D मोड दोस्तों, यहाँ पर लोग आपको देख सकते हो, यहाँ पर वाईफाई जैसा आपको लोगों दिख रहा है। एंड इसको भी गायब करना चाहते हो तो यहाँ पर सिंपल से ऑफ कर देना है एंड ऑफ इसे करते हो गायब हो चुका है दोस्तों। फिर से इसको ऑन कर देना है, फिर से आ चुका है दोस्तों। काफ़ी कमाल का फीचर दोस्तों, आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पर। अब दोस्तों, इसके बाद एक कमाल का फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है टैप्स बैकग्राउंड कलर दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करना एंड क्लिक में आपको सॉलिड कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो, उसके बाद दोस्तों आपको जो भी कलर यहाँ पर अच्छा लगे तो आप उस कलर को चूज करके, यहाँ पर आपको न्यू कलर आपको दिख रहा है सबसे नीचे एंड यहाँ पर सिंपल से क्लिक करना है। एंड जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चैट ग्रुप कॉल कैमरा स्टेटस, कुछ इसका कलर एंड कुछ लुक इसका अलग हो, काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है दोस्तों, काफ़ी कमाल का फीचर दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, क्योंकि ऐसा ही मजेदार वीडियो आपको रिलेटेड एंड नया अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मिलता है कुछ और नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखना।